मुंबई में आज दही हंडी की धूम है और इस वक्त हम थाने में मौजूद है जहां पर जबरदस्त जो गोविंदा पथकों का जो उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। और आपके सामने ये जो तस्वीरें हैं ये सीधे थाने से है और थाने में यहाँ पर इस वक्त जो एक महिला पथक यहाँ पर जो है थर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको ये बता दें कि कितनी ज्यादा भारी बारिश में ये जो महिला गोविंदा है यहाँ पर किस तरीके से तैयारी कर रही है। और आपको बता दें कि 4 से 5 थर लगाते हैं मैक्सिमम, लेकिन ये जो महिला पथक है ये विलेपाले की महिला पथक है और ये अभी 6 थर लगाने की कोशिश करने जा रही है और बहुत ही जबरदस्त तैयारी के साथ। देखे जो बाकी के सो गोविंदा पथक यहाँ पर मौजूद है वो भी उनको सपोर्ट के लिए यहाँ पर मौजूद है और किस तरीके से ये 6 थर लगाने की यानी कि 6 ह्यूमन पिरामिड मतलब 6 लेयर लगाने की ये कोशिश करी है यहाँ पर। अब देखना होगा कि ये इसमें सक्सेसफुल हो पाते हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत ही हौसला अफजाई भी की जा रही है यहाँ पर। आप देखिए ये जो पूरा ग्राउंड है थाने में, यहाँ पर ये ग्राउंड पूरी तरीके से खचाखच भरा हुआ है, जबरदस्त बारिश हो रही है और उस बारिश के बीच में इस तरीके से थर लगाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। देखिए अभी तक इन्होंने 1, 2, 3, 4 थर लगा चुके हैं, 6 थर लगाने का ये अटेम्प्ट करने जा रहे हैं और ये अब 5वां थर लग चुका है और जबरदस्त उत्साह सारे गोविंदा पथकों में। और ये जो अटेम्प्ट करने जा रही है ये जो महिला पथक, ये बहुत ही काबिले तारीफ है। 1, 2, 3, 4, 5 और 6ठा जो गोविंदा पथक का जो गोविंदा है वो टॉप पर पहुंच चुका है और अब देखना होगा कि ये सक्सेसफुल होता क्या। और ये सक्सेसफुल, लोगों का उत्साह देखिए, ताली बजाकर इनका उत्साह बढ़ा रहे हैं और इनका अभिनंदन किया जा रहा है यहाँ पर। किस तरीके से एक महिला गोविंदा पथक ने यहाँ पर 6 थर लगाए हैं, आपको बता दें कि ये ग्राउंड यहाँ पर पूरी तरीके से कीचड़ से भरा हुआ है और लगातार जबरदस्त बारिश हो रही है और इसी बीच इस तरीके से महिलाओं ने गोविंदा पथक ने देखे किस तरीके से 6 थर लगाए, ये काबिले तारीफ है। और लगातार एक के बाद एक मंडल यहाँ पर आ रहा है और थर लगाते जा रहा है। कैमरा पर्सन वैभव कनगुटकर के साथ सौरभ बख्तानिया, थाने, आज तक।